बॉलीवुड में कॉस्मेटिक सर्जरीज कोई नई बात नहीं है। ऐसी कई एक्ट्रेसेस की लंबी लिस्ट है जिन्होंने ज्यादा सुंदर दिखने के लिए किसी न किसी तरह की सर्जरी का सहारा लिया है। कुछ एक्ट्रेसेस के लिए तो ये कॉस्मेटिक सर्जरीज वरदान साबित हुई, लेकिन कुछ के लिए सर्जरीज बन गई मुसीबत। जी हाँ, हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस आयशा टाकिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वॉन्टेड और टार्जन द वंडर कार जैसी फिल्मों में अपनी पहचान बनाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस आयशा टाकिया पिछले दिनों अपने लिप सर्जरी के कारण खूब ट्रोल हुई थी। लोगों ने उनके होंठों का खूब मजाक उड़ाया था, लेकिन अब आयशा ने इस पर खुलकर बात की है। दरअसल एक वेबसाइट से बातचीत के दौरान आयशा ने कहा, मैंने किसी तरह की कोई सर्जरी नहीं कराई है। जो तस्वीरें सामने आई थी उनके साथ छेड़खानी करके उसमें मेरा चेहरा बदला गया था, और सर्जरी कराने के लिए मैं कहां से टाइम निकालूं। आयशा ने ये भी बताया कि उनके पास स्पा तक का समय नहीं होता, और ऐसे में लिप सर्जरी कराने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना ही नहीं, आयशा ने कहा कि जब वो तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही थी तो वो समय गोवा में थी। वैसे तो उनका चेहरा छोटा है, पर उन तस्वीरों में उनका चेहरा काफी लंबा और मजाकिया लग रहा था। वेल, आयशा कितना भी मना करें कि उन्होंने सर्जरी नहीं कराई है, लेकिन सच्चाई क्या है वो हर कोई जानता है। बता दें कि फिलहाल आयशा बॉलीवुड में कमबैक करने की तैयारी कर रही हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में मैडम का म्यूजिक एल्बम जिंदगी ये जिंदगी का गाना जिंदगी तुझसे क्या करे शिकवे रिलीज हुआ है। ये गाना चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर आधारित है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।